मेरे सहधर्मी, मेरे साथियों, आज हम बात करेंगे आखिर हम चाहते क्या हैं और होता कैसे क्या है। एक व्यक्ति बैंक में जाए, 1 लाख रुपए जमा करके आए, एफडी बनाकर आए और एफडी के अनुसार 4 साल में उसको 1 लाख के 2 लाख मिलने हैं, लेकिन वहाँ जाके लड़ने झगड़ने लगे कि मुझे 10 लाख दो। तो वो 10 लाख कहाँ से देगा? जो तुमने जमा किया था उसके अकॉर्डिंग ही तो तुम्हें मिलेगा। और यदि जमा नहीं किया हो, किसी ने जमा ही ना किया, वो वहाँ जाके लड़ने लगे कि मैंने सुना है बैंक से पैसे मिलते हैं। लेकिन बैंक से पैसे उसे मिलते हैं जिसके अकाउंट में पैसे पहले से हों। ऐसे ही प्रभु, इस जगत में जो व्यक्ति पूर्व में जैसा पुण्य पाप बांध के आया है वैसा उसे मिलेगा। जैसा आप टिफिन लेकर आए हैं पूर्व भाव में बांध कर, वैसा टिफिन खुलेगा। आपने जो जमा किया होगा वो पूंजी आज आपके काम आएगी। आपने जमा ही नहीं किया होगा तो वो क्या काम आएगा? इसलिए संकलेशता के लड़ने झगड़ने की बात नहीं है। दो सगे भाई में से एक बड़ा हो जाता है, एक गरीब ही रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? जिसने पूर्व जन्म में नेकी के काम किए होंगे, दया दान व्रत आदि किए होंगे, अच्छे से जीवन जिया होगा, शांतता से विनय सहजता से जीवन जिया होगा, आज पुण्य बंद से उसे वो सब कुछ मिलेगा। और जिसने पूर्व जन्म में क्रूरता की होगी, दूसरों को कष्ट दिया होगा, पाप किया होगा, सत्य व्यसन किए होंगे, उसका पुण्य क्षीण हो गया, इसलिए उसे इस बार क्राइसिस ही क्राइसिस हो रहे हैं, तकलीफ ही तकलीफ झेलनी पड़ रही है। इसलिए मेरे भाई, जो बोया है वही काटना पड़ेगा। मत लड़ो किसी से, मत दो दोष किसी को। किसी ने आपका कुछ नहीं लिया है, कोई आपका कुछ नहीं छीन रहा है। जो जो कुछ लेकर आया है वैसे ही व्यवस्था बनी हुई है। सहयोगी भी लोग मिलेंगे आपको जब आपका पुण्य का उदय होगा। सहयोगी भी आपके विरोधी हो जाएंगे यदि आपका पाप का उदय होगा। इसलिए मेरे भाई, जो टिफिन में है, जो पूर्व जन्म में जमा किया है, उसे सहजता से स्वीकार करो और आज नेकी का सुंदर जीवन जियो, दया दान आदि से भरा हुआ जीवन जियो, सबके लिए अच्छा सोचो, आपके भी सब कुछ अच्छा होगा। विचारना।